टाटा भारत में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। पहले टाटा ग्रुप का प्लान है कि अगले कुछ सालों में वो देश में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू करेगा। वहीं दूसरी खबर में टाटा एयर इंडिया बहुत जल्दी 500 नए विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। बता दें कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहती है, जिसके तहत ये बड़ा ऑर्डर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि टाटा एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं टाटा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टाटा ग्रुप भारत में एप्पल को लेकर ज्यादा ही सीरियस होता नजर आ रहा है। जहां एक ओर टाटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर अपनी प्लानिंग बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वो एप्पल के साथ एक रिटेल डील भी कर रहा है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टाटा ग्रुप का टारगेट देश भर में स्मॉल एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोलना है। उन्होंने कहा है कि आईफोन निर्माता के लिए टाटा की इन्फिनिटी रिटेल के साथ गठजोड़ कर रही है, जो क्रोमा स्टोर की चेन रन करती है। इससे आप आधी बात समझ गए होंगे कि टाटा पूरे मार्केट पर एक साथ पकड़ बनाने का मन बना रहा है, क्योंकि टाटा सेमीकंडक्टर बनाएगा, फिर आईफोन भी खुद से बनाएगा, और जब एप्पल स्टोर भी टाटा का होगा तो ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। वहीं लगभग आधे दशक में भारत लगातार एप्पल के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, और अब तो फॉस्कॉन और पेगाट्रॉन सब चीन से किनारा करते हुए अब वो भारत को अपना उपयुक्त गंतव्य मान रही हैं। इससे अब आप साफ समझ सकते हैं कि टाटा के बढ़ते हुए कदम चीन को पटकनी देने का बड़ा काम करने वाले हैं।